तो प्रॉब्लम में अपन को ऐसे बोल रखा है कि अपन को इस इनइक्वालिटी को प्रूफ करना है यहाँ पर। सो ट्राई करो फिर, देखते अपन इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन को ये प्रोडक्ट दे रखा है x+1, x+2, अप टू x+19। तो इसको प्रूफ करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर AMGM का यूज करेंगे। और जैसे तुम देख सकते हो x की लिमिट 0 to 1 है, तो यहाँ पर x यहाँ पर 0 to 1 के बीच में वेरी कर रहा है, तो ये सारे पॉजिटिव होंगे। तो AM अपन को पता है AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM होता है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर है x+1, x+2, अप टू x+19 है, सारे डिफरेंट होंगे। ये वाला इसके इक्वल नहीं होगा, सारे डिफरेंट है, तो उस केस में यहाँ पर सिंपल इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी, AM ग्रेटर देन GM होगा, ये अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि x+1 x x+2 अप टू x+19 का जो प्रोडक्ट है और उसकी पावर जो 1/19 है, क्योंकि 19 टर्म्स है, वो लेस देन होगी किससे, इनके समेशन से, x+1 + x+2 अप टू x+19 इस तरीके से, एंड डिवाइड में यहाँ पे 19 आ जाएगा। सो अब यहाँ पर इसका सम करे तो बेसिकली कितना हो जाएगा, 19 टाइम्स x+ यहाँ पर n n+1/2, तो n n+1/2 नेचुरल नंबर के समेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, एंड डिवाइड में यहाँ पे 19 है, तो बेसिकली सिंपली देखोगे तो ये x+10 आ जाएगा। तो अब मैं दोनों तरफ यहाँ पर पावर ले लेता हूँ 19, तो ये क्या हो जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है x+1 x+2 अप टू x+19, ये लेस होगा किससे, x+10 की पावर 19 से। सो ये चीज अपन ने यहाँ पे देख ली। अब यहाँ पे दोनों तरफ अपन इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि अपन को 0 to 1 इस प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन के बारे में पूछ रखा है। तो दोनों तरफ यहाँ पे मैंने इंटीग्रेट कर दिया। सो इंटीग्रेट करें तो इसका इंटीग्रेशन सिंपली x+10 की पावर 20 एंड डिवाइड में 20 आ जाएगा, लिमिट अपनी 0 to 1 है, तो अपन यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो 11 की पावर 20 - 10 की पावर 20 डिवाइडेड बाय 20 आ जाएगा। और अब इसको गिवन फॉर्मेट में लाने के लिए, इस फॉर्मेट में लाने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 11 की पावर 20 को बाहर ले लिया, 1 - 10 की पावर 20 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 20 आएगा, तो उसको इस तरीके से लिख दिया। एंड नीचे यहाँ पर 1 है, और उसको मैं देखो किस तरीके से यूज करता हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से लिखा है कि ये 1 - 10 बाय 11, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, 1/11। यानी मैंने क्या किया, ऊपर से 11 को यहाँ पे लेके आया, तो अब ये पावर 19 हो जाएगी। सिंपली देखोगे तो सेम ही चीज लिखी है मैंने, ये सेम है दोनों। और अब यहाँ पर अपन क्या लगा सकते हैं, बेसिकली जीपी के सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो जीपी के सम का अगर अपन फॉर्मूला लगाएं तो जीपी क्या बनेगी यहाँ पर, अगर तुम देखोगे तो 1 + 10/11 + 10/11 का होल स्क्वायर अप टू 10/11 की पावर 19। तो अगर ये तुम यहाँ पर देखो तो कॉमन रेशियो इसका ये है, तो फर्स्ट टर्म तो ये है, एंड यहाँ पर वही सिंपली जीपी के फॉर्मूला का सम यहाँ पर देखोगे तो ये इस जीपी का सम आ जाएगा बेसिकली, वो यही दे रखा है। अब इसी चीज को इस तरीके से, और इसको अपन को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर 11 की पावर 19 से, ये इस तरीके से आ गया। और इसको तुम अगर समेशन की फॉर्मेट में लिखना चाहो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 10 की पावर k 11 की पावर यहाँ पर 19 - k, एंड k यहाँ पर वेरी करेगा 0 to 19 के बीच में। तो जब यहाँ पर k की वैल्यू 0 होगी, तो उस केस में ये 11 की पावर 19 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वाली टर्म आ जाएगी, फिर नेक्स्ट ये वाली टर्म जनरेट होगी k की वैल्यू 1 पर, और लास्ट में k की वैल्यू 19 पर ये वाली टर्म जनरेट हो जाएगी बेसिकली। सो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा यार, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।